नमस्कार, स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहली बार रेडियो वार्ता लोकवाणी के प्रसारण के माध्यम से लोगों से रूबरू हुए। प्रसारण का विषय खेती एवं ग्रामीण विकास था। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों के सवालों के जवाब भी इस दौरान दिए हैं। सीएम ने कहा है कि प्रदेश के 1000 नरवा होंगे पुनर्जीवित। गांव के हालात बदलते एक साथ कई उपायों पर काम होगा। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा और दिशा बदलने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना वो था नरवा गुरुआ घरवा बाड़ी पे आज उन्होंने अपनी बात को बहुत विस्तार पूर्वक रखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका लाभ निश्चित तौर पर किसानों को जो हमारे बैठे हैं मतलब दूर आंचल में उनको जरूर इसका लाभ मिले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकवाणी के माध्यम से प्रदेशवासियों को अपना संदेश दिया है, साथ ही किसानों के सवालों के जवाब भी दिए। वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने वायदों को पूरा करने की बात दोहराई। इनमें किसानों के लिए नरवा गरवा घुरवा बारी योजना, बिजली समस्या समाधान पर विस्तार से बात की। कवर्धा जिले में मुख्यमंत्री का संदेश रेडियो के माध्यम से जिला मुख्यालय के जिला पंचायत भवन और अम्बेडकर चौक में सुनाया गया, जहां जिला पंचायत कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ सहित जिले के सभी विभाग प्रमुख मौजूद रहे। अम्बेडकर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संदेश सुना। जिले के सभी ब्लॉक नगर पंचायतों में भी संदेश रेडियो के माध्यम से सुना गया। द्वारा लोकवाणी के माध्यम से जनता को संबोधित किया गया है और मुख्य रूप से जो ये पहला लोकवाणी था इसमें जो शासन की जो फ्लैगशिप स्कीम है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी उसको फोकस किया गया है। इसके साथ साथ जो समसामयिक विषय है जैसे बिजली की बात हो, चाहे खेती किसानी की बात हो, सिंचाई की बात हो, उस पर मुख्य रूप से फोकस रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नेहरू को क्रिमिनल बताने वाले बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जोरदार पलटवार किया है। सीएम ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान का अमित शाह के बारे में क्या ख्याल है, ये भी वो स्पष्ट करें। जिस समय नेहरू जी राजनीति कर रहे थे, देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए और उससे सबसे ज्यादा समय तक जेल में नेहरू जी रहे। यदि देश की आजादी की लड़ाई के लिए जेल जाना भाजपा और शिवराज सिंह चौहान की नजर में क्राइम है, तो ऐसे क्राइम हम लोग करते रहते हैं। अमित शाह जी के बारे में उनको क्या कहना चाहिए? जिस समय नेहरू जी राजनीति कर रहे थे और देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए उसमें सबसे ज्यादा समय तक की जेल काटने वाला कोई व्यक्ति है हिंदुस्तान में तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देश की आजादी के लड़ाई के लिए जेल जाना यदि क्राइम है भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह के नजर में, तो ऐसे क्राइम हम लोग करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की विकास दर घटने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस पर पलटवार किया। सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा है कि पूर्व सीएम रमन सिंह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, ये आंकड़े उनके कार्यकाल के हैं। जवाब तो उनको देना चाहिए, उन्हें ये भी नहीं पता है कि आई हुई सूची 2018-19 की है। रमन सिंह जी अपने मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बहुत छोटी सी बात है। ये जो आंकड़े आए वो 18-19 के हैं, ये उनके कार्यकाल के हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये किस समय का है। फिर जवाब तो उनको देना चाहिए कि कम कैसे हुआ। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सुप्रीमो अजीत जोगी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के बीच जारी जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर मोहन मरकाम ने अजीत पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का मौका पार्टी ने दिया। 2003 के चुनाव में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बाहर हुई, इसके बाद 2008 और 2013 का चुनाव का कांग्रेस पार्टी ने लड़ा। हिम्मत करके जोगी को बाहर का रास्ता दिखाया गया, इसलिए आज हम लोग सरकार में हैं। उनके जाति मामले में सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही है और जांच में क्लियर हो जाएगा। प्रथम मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया,
2003 के चुनाव में माननीय जोगी साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार से बाहर हुई। 2008 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो, माननीय जोगी साहब का हस्तक्षेप रहा। कांग्रेस पार्टी ने हिम्मत करके माननीय जोगी साहब को बाहर का रास्ता दिखाया गया, इसीलिए आज हम लोग 18 में सरकार में आए। लोधाबाजार के विधायक रमोदय शर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिल्ला नेवरा का आकस्मिक निरीक्षण किया है। विधायक ने अस्पताल में विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। अस्पताल में बेहतर साफ सफाई व्यवस्था न होने को देखकर विधायक प्रमोद शर्मा ने अस्पताल प्रबंधन पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मरीजों के बेडशीट और तकिया खोले की स्थिति भी दयनीय थी, इस पर विधायक ने तत्काल सुधार लाने को लेकर अस्पताल प्रबंधन से कहा। बता दें, पहली बार विधायक प्रमोद शर्मा ने अस्पताल का निरीक्षण किया। और खबर जशपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा गुरवा घुरवा और बारी शोपीस बनकर रह गए हैं। दुदरा पंचायत में लगभग 25 लाख से निर्मित गौठान चारा के अभाव में बंद पड़ा है। इस गौठान का उद्घाटन लगभग एक महीने पहले कुनकुरी के विधायक यूजी मिंड ने किया था। और खबर सुकमा से, जहां पर 7 नक्सलियों ने एसपी ऑफिस में आत्मसमर्पण कर दिया है। समर्पण करने वालों में 3 इनामी नक्सली भी शामिल रहे। इसके साथ ही नक्सलियों के पास से लगभग 30 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। आपको बता दें, माओवादियों को लेकर पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है, जिससे नक्सलियों के ऊपर दबाव बन रहा है। हमारे पास 7 नक्सली, पूर्व नक्सली जो है वो सरेंडर करने के लिए आए हुए, जिनमें से 3 हैं जो कि जिनके ऊपर इनाम भी घोषित किया हुआ है, जिसमें से एक है जिसका नाम सूरी जुगा है, जो कि प्लाटो नंबर 24 का सदस्य रहा है, उसके ऊपर 2 लाख का इनाम है। इसके अलावा 2 और हैं जिनके ऊपर 1 लाख का इनाम है, और बाकी सारे भी जिनमें हमारे पास में ये ग्राउंड लेवल पे नक्सली कार्टर्स को सपोर्ट करना। और आज खबर बलरामपुर से है, जहां पर नाबालिग छात्र का अपहरण करके रेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी नेता के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल सिंह राजपुर में भाजपा मंडल कोषाध्यक्ष सरोज सिंह का बेटा है। 18 जुलाई को राहुल सिंह छात्र का अपहरण कर अंबिकापुर ले गया था, जहां उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। लड़की परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अंबिकापुर में दबिश देकर छात्रा को बरामद कर लिया था, लेकिन दोनों आरोपी भागने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब आरोपी राहुल सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इतना मिला कि अपने घर के पीछे खड़ा है, जो डीएसपी साहब के साथ हम लोग गए सब दल बल के, जो पीछे भाग रहा था, जो घेराबंदी करके पकड़े। इसके बाद डीएसपी साहब पूछे कि क्या नाम पता, तो अपना फिर बताया और घटना करना स्वीकार किया। तो पीएस का अब साथी तो अभी है नहीं, अभी विवेचना जारी है। कांगेर जिले की महानदी में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध परिवहन में लगे 14 वाहनों को जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान वाहनों के चालक मौके से फरार हो गए। वहीं इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बता दें, खनन माफिया लगातार महानदी से रेत का अवैध उत्खनन कर दुर्ग, बिहारी, राजनांदगांव समेत दूसरे राज्यों में सप्लाई कर रहे थे। फिलहाल पुलिस की टीम गांव में अलाउंस कराकर वाहन चालकों की तलाश कर रही है। रेत का उत्खनन हो रहा करते तहसीलदार साहब आए थे, संयुक्त रूप से कार्रवाई हुई है और 2 भरी हुई गाड़ियों को अभी थाने के सुपुर्द में दिया गया। खाली गाड़ियों के ड्राइवरों को इधर उधर जो भाग गए हैं पता साजी कर रहे हैं, मिल जाते हैं तो उनको भी कार्रवाई करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर में एक सोने मकान में धावा बोलकर चोरों ने सोने चांदी के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि चोरी हुए जेवरों की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। चोरों ने 50,000 रुपए नगद भी ले उड़े। बताया जा रहा है, चंद्रपुर निवासी अनुराग पांडे बीते गुरुवार को परिवार के साथ अपने मकान में ताला लगाकर बिलासपुर गया था। जब वो वापस लौटा तो मकान का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो कमरों की अलमारी भी टूटी हुई थी।
और अब खबर कांकेर से है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार स्कूली बच्चे शासन की बहुप्रतीक्षित योजना नरवा गरवा घुरवा बारी और सामाजिक एकता थीम पर व्यायाम प्रदर्शन करते दिखाई देंगे। 15 स्कूलों के 1200 बच्चे इसके लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तैयारियां चल रही हैं और 25 स्कूल के लगभग 1200 बच्चे इसमें इस पर सरकार की कुछ योजनाओं को भी दर्शाने की तैयारी। हाँ, बोल रहे हैं कुछ नरवा गरवा दुर्गा बारी स्कूल को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन। कोंडागांव के नगरीय निकायों और जनपदों में सीएम भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण हुआ। लोकवाणी का प्रसारण सुबह आकाशवाणी के सभी केंद्रों एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों में एक साथ किया गया। बघेल ने पहली रेडियो वार्ता लोकवाणी कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए अपने विचारों को साझा किया और नागरिकों के कृषि और ग्रामीण विकास विषय पर प्रश्न पूछे और उसके जवाब भी दिए। सोनत मुख्यालय स्थित सामुदायिक भवन में लोकवाणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रथम लोकवाणी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 8 महीने के कार्यकाल में हुए कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को बताया। वहीं पूरे प्रसारण के दौरान अधिकारियों, ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने ध्यानपूर्वक मुख्यमंत्री के शब्दों को सुना। आपको बता दें, विकासखंड के 32 ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री के लोकवाणी सुनने और सुनाने की व्यवस्था की गई थी। युवक एवं खेल मंत्रालय की ओर से चीन भेजे गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल में छत्तीसगढ़ से प्रियंका बिस्सा शामिल थी। चीन से वापस लौटने के बाद उन्होंने सुराज एक्सप्रेस से खास बातचीत में कहा है कि एम्बेसी से मिली जानकारी के मुताबिक चीन के सभी सूचना माध्यमों में छत्तीसगढ़ की खबर छाई हुई है। मैंने चीन की कृषि, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, संस्कृति और युवा प्रतिनिधियों साथ ही रोजगार का ऑब्जर्वेशन किया। इन विषयों पर तैयार रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपी है। पीएम बघेल ने रिपोर्ट के आधार पर आगे की रूपरेखा बनाने का आश्वासन दिया है। चीन प्रवास के दौरान प्रियंका ने चीनी लड़कियों को कथक नृत्य सिखाया और चीन का पंखा डांस भी सीखा। एशिया के दो बड़े देश चीन और भारत, ये दोनों के बीच मधुर संबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अनेक प्रयास किए गए, लेकिन भारत की ओर से प्रयास जो किए गए हैं उसके में अहम भूमिका निभाने वाली प्रियंका बिस्सा इस वक्त हमारे मौजूद हैं। और पूरे भारत से चीन 174 लोगों की टीम भेजी गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ से प्रियंका बिस्सा का चयन हुआ था। वो 10 दिन चीन यात्रा से लौटकर वापस आई है। उनसे जानते हैं कि वो एक रिसर्च स्कॉलर है, इसके नाते उनने क्या ऑब्जर्व किया, उनको क्या सब्जेक्ट मिला था वहाँ। नमस्कार, मैं प्रियंका बिस्सा और भारत का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला चीन में। मैंने बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करी, जिसमें से कि मैंने देखा कि एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देखी, उनके एजुकेशन लेवल के बारे में मैंने देखा और वहाँ का यूथ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और एक जीडीपी ग्रोथ के लिए वो क्या काम कर रहा है, स्टार्टअप में क्या उनकी जर्नी है और साथ ही क्लाइमेट चेंज के लिए वो क्या महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं, उस बारे में मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए हैं। तो ये आप जब वहाँ चीन से वापस आए तो किस तरह से रिपोर्ट बनाया गया, भारत सरकार से जो जिम्मेदार अधिकारी मंत्री हैं उनसे क्या आपकी मुलाकात हुई, क्या आपने कोई रिपोर्ट सौंपा है? जी, राष्ट्रीय सेवा योजना युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मेरा चयन हुआ इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और जब मैं वापस दिल्ली आई तो मुझे माननीय श्री किरण रिजिजू जो कि मंत्री हैं खेल एवं युवा मंत्रालय के, उनसे हमारी भेंट हुई और करीबन 1 घंटे की हमारी चर्चा हुई, जिसमें कि हमने उन्हें बताया कि हमने कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चीन से सीखी और वो हम कौन सी चीजें हैं जो कि यहाँ इंडिया में हम उसको लागू कर सकते हैं, तो उसकी एक स्पष्ट रूप से जो रिपोर्ट हो सकती है वो मैंने अपनी क्लियर ऑब्जर्वेशन के साथ उसे सौंपा है और उस पर वो अपनी मतगणना करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसी के आधार पे आने वाले समय पर चीन और भारत के बीच के जो संबंध है उस पर फैसले लिए जाएंगे। तो इस तरह से हमारे भारत अभी भी किसी से कम नहीं है और अगर नियमता और एक लाइन रास्ता बनाकर इस पर चला जाए तो आगे बढ़ने की सतत संभावना है। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। ग्रामीण प्रशासन ने शहर से जमा किए गए कचरे की रिसाइकलिंग पर काफी हद तक सफलता हासिल कर ली है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है और कचरे से पालिकाओं को अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। जिला मुख्यालय और राजीव नगर पंचायत ने इस समस्या से निपटने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग में
मणि कांचन केंद्र स्थापित किए हैं, जहां पहले शहर भर से कचरा जमा किया जाता है और फिर रिसाइकिल करके बेच दिया जाता है। इससे जहां दोनों शहरों की सफाई बेहतर ढंग से हो रही है, वहीं कचरा रखने की समस्या भी अब खत्म हो गई है। गीला कचरा अलग खान, सूखा कचरा अलग खान, झिल्ली अलग करखान, डिस्पोजर अलग करखान, लोहा अलग करखान, और गुड़ाकू डब्बा अलग, पानी बाटल अलग, और कुरकुरे वाला झिल्ली अलग, और का कहते और जैसे पूरा हर सामान अलग अलग करखान। अभी तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ दिख रहा है, फायदा है। पहले क्या हालात थे? पहले बहुत ज्यादा कचरा दिखता था रोडों में, अब बहुत कम दिखते हैं। तो ये लोग रोज आते हैं? रोज आते हैं। कैसे व्यवस्था है इनकी? वैसे ठीक है। इन क्षेत्र में जो डोर टू डोर कलेक्शन है और कचरे का जो निष्पादन किया जा रहा है, उसमें हमारे 31 वर्कर महिलाएं और 12 रिक्शे, 3 टिपर, 3 ट्रैक्टर लगे हुए हैं और घर घर से कचरा और व्यावसायिक संस्थानों से भी कचरा एकत्रित कर रहे हैं। बाजार भी मिल रहा है, आमदनी मिल रही है और जो कचरे को छांट के उसमें भी बहुत सी चीजें हैं, उसको भी बिक्री किया जा रहा है। कांकेर शहर के पास द्वारा भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर भ्रमण के बाद कांवड़ियों ने शिव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। समिति से जुड़े लोगों ने बताया है कि विभिन्न संगठनों और समाजों द्वारा कांवड़ियों का रास्ते भर स्वागत किया गया और मंदिर समिति द्वारा मंदिर परिसर में सभी कांवड़ियों के लिए सब्जी, पूड़ी और हलवा प्रसाद का भी व्यवस्था की गई। साथ ही जलाभिषेक के बाद कांवड़ियों को प्रसाद वितरण किया गया। इस कंवर यात्रा में जनप्रतिनिधि, जनमान नागरिक, बच्चे, महिलाएं सभी लोग सम्मिलित हुए। अगला खबर रायपुर से है, जहां पर एक शिवभक्त परिवार पिछले 3 सालों से भिखारियों, गरीबों और मजदूरों को फ्री में खाना खिलाते आ रहा है। इस परिवार के सदस्य गरीबों को त्योहार, स्पेशल कार्यक्रम समेत अलग अलग खास मौकों पर गरीबों को खाना बांटते नजर आते हैं। वहीं इस वर्ष सावन के पहले दिन से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को मुफ्त में भरपेट खाना बांटा जा रहा है। उनके ग्रुप में करीब 200 से 300 सदस्य हैं, जो आपस में चंदा इकट्ठा करके खाने का खर्चा उठाते हैं। काम है, सावन का महीना चल रहा है, ऐसे वक्त में अलग अलग प्रकार के संस्था हैं और कुछ ग्रुप हैं जो लोगों को अलग अलग तरीके से खाना बांट रहे हैं, उन्हें फ्री में खाना खिला रहे हैं। ऐसा एक संस्था है शिव भक्त परिवार। आप देख सकते हैं शिव भक्त परिवार के जो लोग हैं, यहाँ पर जो पारंपरिक तरीके से जो होता है लोगों को घर में खाना खिलाते हैं, उस तरीके से यहाँ बांटकर एक थाली लगाया गया है। थाली के बाद उनको पानी पाउच दिया गया है और पानी पाउच के साथ ही उनको खाना दिया जा रहा है। मानो कि ये घर में बैठकर ऐसा खाना तरीके से इनको जो यहाँ पर मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं, वो लोग यहाँ पर ये खाना पाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर शिव भक्त परिवार के द्वारा यहाँ पर नेक काम किया जा रहा है। आज के दौर में ऐसा काम बहुत कम ही लोग करते हैं। हम शिव भक्त परिवार के लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर परिवार के कुछ सदस्य हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आप बताएंगे कि कब इस संस्था की जो है आपकी शिव भक्त परिवार की शुरुआत हुई और कितने लोगों ने इसकी शुरुआत की? सबसे पहले संस्था की शुरुआत पहले ग्रुप दोस्तों का ग्रुप था, वो ग्रुप में काम करते थे। फिर उसके बाद हमने सोचा कि इसको एक संस्था का रूप दिया जाए और 9 अक्टूबर 2017 को हमने इसकी मतलब नींव रखी समिति की। उस समय हम लोगों थे 30-35 लोगों का ग्रुप था दोस्तों का, वहाँ से शुरुआत हुआ और आज ये कार्य करते 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 हम लोगों के पास लगभग 250 से 300 सदस्य हैं जो रायपुर में कार्य कर रहे हैं। आपसे सवाल है कि मन में कैसे सवाल आया कि इस तरह का काम किया जाए, लोगों को फ्री में खाना बांटा जाए? आज के दौर में जो महंगाई का दौर चला रहा है, ऐसे दौर में खाना बांटना काफी एक बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। कैसे मन में शुरुआत? हम लोग हमेशा देखते थे कि कई सारे ग्रुप बने हैं, कई हर चीज है, लेकिन हर प्रकार की शोभा यात्रा निकाली जाती थी। तब एक शोभा यात्रा भगवान शिव की निकाली जाती है महाशिवरात्रि के दिन। तो सिर्फ हम लोग जब शोभा यात्रा के बाद बैठे कि आया कि सिर्फ शोभा यात्रा निकालने से कुछ नहीं होगा, अपने तरफ से जो भी हो सकता है लोगों के लिए, जो हम लोग कर सकें मानव धर्म के लिए, तो बैठे बैठे ही हम लोग के मन में बात आएगी अब लोगों को के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिससे
मानव धर्म के लिए कुछ अच्छा हो सके। जी हाँ, निश्चित तौर पर शिव भक्त परिवार के द्वारा यहाँ पर अच्छा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। गरीब लोगों को जो है मुफ्त में खाना दिया जा रहा है। आज इनका 200 पैकेट था जो अलग अलग एरिया में बांटा गया। हम अभी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर हैं जहाँ पर लोगों से बातचीत किए और फिर इनसे सब कुछ जाने। और आगे का जो कुछ माजरा है, जैसे कुछ संस्था है जो मुफ्त में लोगों को खाना खिलाते हैं, तो लोगों से मैं भी अपील करूंगा कि वो सहयोग करें ताकि संस्था जो है आगे चले और गरीबों को खाना मिल सके। आपके साथ अखिलेश जायसवाल, रायपुर। गरेवंद जिले के पहले स्कूल किरवई में कृषि विषय पर आधारित पाठ्यक्रम का शुभारंभ भव्य समारोह में राजसुंद विधायक अमितेश शुक्ल ने किया। कृषि विधान क्षेत्र को इस विषय की सौगात मिलने से स्कूली छात्र छात्राओं और पालकों में काफी हर्ष है। मुख्य अतिथि विधायक राजसुंद ने ग्रामीणों की मांग पर शाला परिसर में सभागार के लिए विधायक से 10 लाख देने की घोषणा भी निधायक मत से की है। स्वच्छता बहुत अच्छे से करना है हम लोग को, इसमें मतलब सभी को जागरूक करना है स्वच्छता के बारे में तथा मतलब सभी लोग को जागरूक करना है। गांव में जा जाकर एनएसएस क्लैंप लगाना है, इसमें बहुत ही योगदान है। कितना उत्सुक है बच्चे कृषि पढ़ने के लिए और हमको ऐसा लगता है कि भविष्य में हमको और ज्यादा उसके लिए जो हमको साधन चाहिए उसकी जो व्यवस्था करना पड़ेगा। जो आपका लगेगा ट्रैक्टर या जो तो मजदूर लगे उसको छोड़ के, मगर जो बाकी जो है उसमें शून्य कॉस्ट नॉर्मल जो है पूरी पूरी खेती होगी, ये हमको कराना है जिससे हमारे किसानों का लाभ जो दुगना तिगना हो जाए और ज्यादा बढ़ जाए शून्य खेती, उसको मेरे को यहाँ शुरुआत करना। और अब खबर आरंग से है जहाँ पर सतनामी समाज भवन में छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता को उनकी पुण्यतिथि पर समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर राज्य के नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया भी मौजूद रहे। डहरिया ने मिनी माता को याद करते हुए कहा है कि उन्होंने एक सांसद के रूप में बहुत काम किए हैं। उन्होंने जिसे छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा था वो सपना भी पूरा हो चुका है। मिनी माता जो काम अधूरा छोड़कर चली गई है उसे कांग्रेस सरकार अवश्य पूरा करेगी। आज उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ आरंग में किया गया है। हम लोग उनको याद करते एक महापुरुष के रूप में जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज का सपना देखा था और छत्तीसगढ़ राज बनने के बाद आज 15 साल के बाद कांग्रेस की सरकार बनी है और हमारी कांग्रेस की सरकार आदरणीय मिनी माता जी के आदर्शों पे, बाबा गुरु घासीदास जी के आदर्शों पे चलने का संकल्प ली है और उस अनुरूप काम करेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान देंगे। राजधानी रायपुर के गमारडीह स्थित सुशेश्वर महादेव पीठ में सहस्त्र धारा महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया जहां पर सैकड़ों भक्तों ने महारुद्राभिषेक किया। संत महासभा नामदेव समाज परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल भगवताचार्य ने बताया है कि छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि और अल्प वर्षा से राहत के लिए खारून नदी के जल से लगातार 2 घंटे महारुद्राभिषेक किया जा रहा है। सुरेश्वर महादेव पीठ के पीठाधीश ने बताया है कि गौरक्षा और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर हिंदुत्व की रक्षा की जाए। तो आज जो सहस्त्रधार स्थान है उसका मुख्य उद्देश्य तो जग कल्याण के लिए है, सबकी समृद्धि, छत्तीसगढ़ की खुशहाली। और चूंकि वर्षा नहीं हो रही है तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि वर्षा अच्छे से हो ताकि यहाँ के किसान खुशहाल हो, पूरा प्रदेश खुशहाल हो। यह सहस्त्रधार जल वृष्टि के लिए किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए किया जा रही है और संत महासभा के द्वारा एवं श्री नामदेव समाज के द्वारा यह कार्यक्रम संयोजित हो रहा है। ये आज सुरेश्वर महादेव के अंदर में ये संकल्प करके, संकल्प को एक हफ्ता पहले किया था पर वर्षा का आगमन हुआ तो उसकी पूर्णाहुति के अवसर पर जो है आज एकादशी के दिन जो है इस रुद्राभिषेक सहस्त्र अर्चन धारा का आयोजन किया गया। रक्षाबंधन के पर्व में महासमुंद जिले के भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अपने भाइयों से राखी बांधने से पहले भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर में तैनात जवानों और कश्मीर में रहने वाले भाइयों के लिए राखी भेजी है। हर जगह से राखी एकत्रित करके कलेक्टर के माध्यम से कश्मीर भेजी जा रही है। मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने कहा है कि हमारे जवान त्योहार पर भी अपनी बहनों से नहीं मिल पाए और उनकी कलाइयां सजाने के लिए राखियां भेजी जा रही हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ तो अपने भाई जो यहाँ पास में है उन लोगों को तो हम लोग बांध सकते हैं, लेकिन दूर में जो भाई रह रहे हैं उनको तो हम लोग राखी बांधने जा नहीं सकते,
तो कम से कम रक्षाबंधन के दिन वो भी अब हम लोगों का राखी पहन सके, इसलिए हम लोग पहले रक्षाबंधन सूत्र भेजते हैं। और भारतीय परंपरा के अनुसार यहाँ की मातृशक्ति कश्मीर भाटी के भाइयों के लिए यह रक्षा सूत्र भेज रहे हैं, क्योंकि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। धारा 370 एक प्रकार से हमको अलग करके रखा था, धारा 370 हटने के बाद हम एक परिवार के सदस्य हैं, हम सब एक हैं। सराफाड़ी नगर में रक्षाबंधन पर्व को लेकर शहर में कुछ दिनों से भीड़ भाड़ बढ़ गई है। बाजार में इस बार कई डिजाइन और आकर्षक राखियों की भरमार देखी जा रही है। राखी के अवसर पर दिए जाने वाले उपहार की दुकानों पर भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है। शहर के सभी मार्गों में राखियों की दुकान सजा दी गई है। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर राखी का पर्व एक साथ आने के कारण नौकरी पेशा लोगों में थोड़ी मायूसी देखी जा रही है। और अब खबर कोंडागांव से है, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर यहां पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने सत्ता हासिल करने के लिए जो जनकल्याण से जुड़े वादे किए थे, इन वायदों को देखकर ही जनता ने कांग्रेस की सरकार को चुना था, लेकिन सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में राजनांदगांव के लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि 70 साल से कश्मीर एक मुद्दा बना हुआ था। इस फैसले पर भाजपा के साथ कई विपक्षी दल भी समर्थन में नजर आए। अब कश्मीर का विकास होगा, मोदी सरकार ने कश्मीर को बंधन से मुक्त करते हुए भाजपा का पूर्ण हिस्सा दिया है। धारा 370 स्वतंत्रता के बाद लगा, 1952 के बाद लगा, किंतु यह एक प्रकार से कश्मीर में ऐसा लहू बहता हुआ रिश्ता हुआ घाव था जिसको ठीक करने का काम माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस